ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो फ्री कन्वेक्शन होगा टॉपिक हमारा, फ्री कन्वेक्शन। इससे पहले हमने जो कन्वेक्शन पढ़ा था, पहले जो हमने पढ़ा था कन्वेक्शन, वो सिंपल कन्वेक्शन के हमने पढ़ा बेसिक क्या होती हैं। उसके बाद फिर हमने देखा था कि आपकी कन्वेक्शन प्लेट में हो रही तो फिर क्या होता है, प्लेट के ऊपर से। उसके बाद देखा था कन्वेक्शन किसी स्पेयर के ऊपर से या फिर किसी सिलेंडर के ऊपर से हो रही तो उसमें क्या होता है। फिर हमने देखा था लास्ट क्लास में कि कन्वेक्शन किसी अगर क्लोज चैनल के अंदर हो, किसी पाइप के अंदर हो। ये आखिरी कन्वेक्शन का टॉपिक है, फ्री कन्वेक्शन। इससे पहले जो हम कन्वेक्शन पढ़ रहे थे ना, उसमें हम फोर्सफुली एयर को इंजेक्ट करा रहे होते थे, या वाटर को हम फोर्सफुली, मतलब पीछे से कोई ना एक्सटर्नल फोर्स जो उसको इंजेक्ट करवा रही, जो उसको फ्लो में मदद कर रही है। फ्री कन्वेक्शन में क्या होता है कि ये आपके डेंसिटी डिफरेंट की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी सरफेस है, सरफेस के ऊपर फ्री कन्वेक्शन में क्या सपोज किया हुआ, फ्री कन्वेक्शन में सपोज किया हुआ कि सरफेस के ऊपर जो भी आपका मीडियम है ना, जो भी सरफेस के ऊपर आपकी एयर है, वो एयर अभी मोशनलेस है। उस एयर की अपनी कोई वेलोसिटी नहीं है अभी। अब होता क्या है, ये एयर के कुछ पार्टिकल हैं। होता ये है कि जो पार्टिकल आपके इस सरफेस से इन कॉन्टैक्ट में होते हैं, आपकी बेस वाली सरफेस से कॉन्टैक्ट में होने की वजह से वो थोड़े हीटअप होते हैं। हीटअप होने की वजह से उनके आपस के दरमियान का डिस्टेंस होता है इंक्रीज कर जाता है। तो पहले उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है एज अ बल्क। अभी इनकी डेंसिटी देखो कम है, और यहाँ पे देखो इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई आपस में, आपस में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ओवरऑल मास तो सेम रहा अभी भी, लेकिन इनका ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ रहा है। जो भी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना चाह रही है ना ये गैसेस, वॉल्यूम इनका बढ़ रहा है, जिसकी वजह से डेंसिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। क्योंकि जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी डेंसिटी आपकी डिक्रीज होगी। किसी भी चीज़ की अगर डेंसिटी डिक्रीज होती है तो वो इस सरफेस को छोड़ के ऊपर चली जाएगी, और होगा क्या, ऊपर के जो मॉलिक्यूल होंगे, जो कि इसके मुकाबले में थोड़े हैवी मॉलिक्यूल होंगे, वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे। क्योंकि नीचे जैसे ही मॉलिक्यूल अपनी जगह शिफ्ट करेंगे नीचे से ऊपर, यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। उस वैक्यूम को फुलफिल करने के लिए ऊपर से मॉलिक्यूल्स वापसी इस मॉलिक्यूल की जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। तो इस ये प्रोसेस चलता रहता है, इसकी वजह से आपके यहाँ पे कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। कन्वेक्शन करंट क्या होता है कि आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपके डेंसिटी डिफरेंस बनता है। पर उस डेंसिटी डिफरेंस की वजह से आपके मॉलिक्यूल्स सर्कुलर में या किसी पर्टिकुलर पाथ में मूव कर रहे होते, जिसे बोलते हैं कि कन्वेक्शन करंट बन गया यहाँ पे। इसी नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से आपकी बारिशें अमल में आती हैं। इसी नेचुरल कन्वेक्शन की वजह से आपके एटमोसफेयर में जो आपका सी लेवल का जो एटमोसफेयर होता है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी रेशियो ज़्यादा होता है। तो ये कुछ नेचुरल कन्वेक्शन होता है। अब इसमें हमने, चलो बुक से आया था, वो लिखा हुआ है, इन अ फ्री कन्वेक्शन फ्लूड मोशन इज ड्यू टू द बोयंसी फोर्सेस विद इन द फ्लूड। अच्छा, बोयंसी फोर्सेस भी ये कह रहे हैं, इसको बोलते हैं डेंसिटी डिस्टेंस बोल दो पहले। बोयंसी फोर्सेस होते हैं अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में जो का जो डिस्टेंस है ना, जितना वाला डिस्टेंस मॉलिक्यूल में कम होगा उतनी बोयंसी फोर्सेस ज़्यादा होंगी। जितना डिस्टेंस उनके आपस में ज़्यादा होगा मॉलिक्यूल्स का, उसमें बोयंसी फोर्सेस कम होंगी। तो जब किसी मॉलिक्यूल्स की आपस की बोयंसी फोर्सेस कम हो जाती है, तो वो मॉलिक्यूल आपका या वो रीजन आपका लाइट हो जाता है, जिसकी वजह से वो ऊपर ट्रैवल कर चले चले जाता है। अच्छा, ये तो पता है ना, जो लाइट चीज़ होती है ऊपर जाती है, जो लाइट चीज़ होगी वो ऊपर जाएगी नेचुरली, और जो हैवी चीज़ होती है वो नीचे आती है। हाँ, ये लिखा हुआ है, बोयंसी इज ड्यू टू द कॉम्बिनेशन कंबाइंड प्रेजेंस ऑफ फ्लूड डेंसिटी ग्रेडियंट एंड बॉडी फोर्स दैट इज प्रोपोर्शनल डेंसिटी। ये जो आपकी बोयंसी फोर्स, जो जो कन्वेक्शन करंट आपका फॉर्म हो रहा होता है, दो वजहों की वजह से होता है। पहला तो डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, जो चेंज इन डेंसिटी हो रही होती है, कि नीचे वाली डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऊपर वाले मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है। दूसरी चीज़ है, आपस में इनमें बॉडी फोर्स का भी असर अंदाज होता है। बॉडी फोर्स का मतलब क्या, जैसे ये मॉलिक्यूल्स से, जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे उनका अपना वेट भी तो होगा, वो अपने वेट की वजह से नीचे आ रहे होंगे। ऊपर वाले मॉलिक्यूल अपने वेट की वजह से नीचे आ रहे होंगे, वेट तो इनका भी होगा। जो नीचे वाले मॉलिक्यूल हैं
वेट तो इनका भी होगा, लेकिन इनकी जो डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से इनका जो वॉल्यूम इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि वेट इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा उनको नीचे वापसी लाने में। ये अपने जैसे कोई पूछ रहा कुछ? फिर से बोल, थोड़ा जोर से बोलना। जी बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ लिखना, ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। आपकी जो दो किस्म की फोर्सेस होती है, एक आपकी बॉडी फोर्स होती है और एक आपकी सरफेस फोर्स होती है। बॉडी फोर्स क्या होती है? उसकी जो अपने मास की वजह से जो फोर्स जनरेट कर रहा है ना कोई भी बॉडी, उससे बोलते हैं बॉडी फोर्स। जैसे इसका वेट हो गया, इसकी बॉडी फोर्स होगी। और होती है सरफेस फोर्स। सरफेस फोर्स क्या होती है? जैसे प्रेशर हो गया, प्रेशर इसकी सरफेस पे एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर है सरफेस फोर्स हो गया। यहाँ पे कोई शेयर फोर्स लग रही होगी, तो शेयर फोर्स भी क्या होगी? इसकी सरफेस फोर्स होगी। जो फोर्सेज उसकी बॉडी की वजह से होती है उसे बोलते हैं बॉडी फोर्स, और जो फोर्सेज उसकी सरफेस पे लग रही हो डायरेक्टली उसे बोलते हैं सरफेस फोर्सेस। तो ये बॉडी फोर्सेस सरफेस फोर्स का भी कुछ जिक्र पैराग्राफ में था। यहाँ पे वही कन्वेक्शन करंट शो किया हुआ है। देखो इसमें नीचे वाली जो प्लेट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है और ऊपर वाली प्लेट का टेम्परेचर जो है वो कम है। अभी यहाँ पे जो T2 जो ज़्यादा है, T1 कम है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीटअप होंगे, वो ऊपर जाएंगे। ऊपर मॉलिक्यूल पहले से ठंडे थे वो नीचे आएंगे। तो एक प्रोसेस चलता रहेगा जिसकी वजह से आपका कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो जाएगा। एक कंडीशन ये होती है, एक कंडीशन ये भी होती है। अच्छा, जिसमें आपका कन्वेक्शन करंट फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं कि वो अनस्टेबल फ्लूड सर्कुलेशन है। मतलब फ्लूड कंटिन्यूसली स्टेबल रहता नहीं है। जब तक टेम्परेचर ग्रेडियंट है तब तक यहाँ पे हलचल बनी रहती है। ये जैसे आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट जो इन दोनों प्लेट से जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आपका ये मोशन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन देखो टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी है। यहाँ पे नीचे वाली प्लेट जो है वो ठंडी है, इसका टेम्परेचर हाई कम है, बल्कि हाँ कम है, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो होगा क्या, जो ठंडे मॉलिक्यूल्स होंगे, जो हैवी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो यहाँ पे नीचे रहेंगे, क्योंकि उनका मास क्या होगा? ज़्यादा। उनका क्या कहते हैं, उनका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सॉरी उनका वॉल्यूम कम होगा। ये प्लेट नीचे वाली प्लेट की ठंडी है, तो जो मॉलिक्यूल इसकी सरफेस पे होंगे वो मॉलिक्यूल यहीं पर रहेंगे, क्योंकि उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, डेंसिटी डिक्रीज नहीं कर रही। जब डेंसिटी इंक्रीज कर रही है इसका मतलब क्या है कि उनका उनका मास जो है उनका, मतलब वो नीचे आना चाहेंगे, वो तो वो ऑटोमेटिकली नीचे ही हैं। और जो मॉलिक्यूल इस वाली सरफेस पे पास होंगे वो मॉलिक्यूल हीटअप होंगे और उनकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी हीटअप होने की वजह से। तो वैसे नेचुरली कोई चीज़ अगर हीटअप होती है तो वो ऊपर जाती है, तो वो मॉलिक्यूल्स पहले से ही ऑटोमेटिकली ऊपर ही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई एज सच कन्वेक्शन करंट फॉर्म नहीं हो रहा होता। जो मॉलिक्यूल नीचे वो नीचे रहते हैं, टेम्परेचर भले इसमें इन दोनों प्लेट्स में टेम्परेचर ग्रेडियंट भले है, लेकिन फिर भी वो इस कंडीशन की वजह से कि नीचे ठंडे मॉलिक्यूल थे ऊपर गर्म मॉलिक्यूल, इस कंडीशन की वजह से बोलते हैं कि आपके यहाँ पे स्टेबल स्टेबल है मॉलिक्यूल यहाँ पे, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे स्टेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है। और इसमें आपका अनस्टेबल टेम्परेचर, दोनों दोनों केसेस में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, दोनों दोनों केसेस में टेम्परेचर ग्रेडियंट है, लेकिन एक वाले में अनस्टेबल फ्लूड मोशन हो रही है, दूसरे वाले में स्टेबल है, फ्लूड मोशन में नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, फिर दो एक कॉन्सेप्ट आते हैं। एक होता है प्लम्प, एक होता है बॉयंट। प्लम्प क्या होता है? सपोज करो ऐसे बॉटम से ना नीचे वाली सरफेस से ऊपर तक ऐसे फ्लो जा रहा है, फ्लो ऐसे आ रहा है कुछ, ये कह सकते हैं कि फ्लो अभी स्टैटिक है इस पूरे एरिया में ना। उस पूरे एरिया में क्या है, अभी एयर है, लेकिन वो एयर अभी स्टैटिक है। हमने क्या किया, बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक गर्म ऑब्जेक्ट रख दिया, या फिर सपोज कर लिया कि मैं सिलेंड्रिकल रॉड गर्म करके अभी बीच में लेकर आ गया इसको। अब क्या होगा, जो एयर इसके आसपास होगी, जो एयर इसके आसपास होगी यहाँ पे, वो हीटअप होगी। यहाँ पे हीटअप होने की वजह से वो ऊपर जाना चाह रही होगी। तो होगा क्या, जब वो ऊपर जाएगी
तो वो कुछ इस किस्म से बाउंड्री लेयर बनाएगी, क्योंकि ये सर्कुलर चीज़ है ना, तो सिर्फ इसकी सरफेस से तो निकलने की निकलेगी, यहाँ से भी निकले थे, अगर यहाँ से जो चीज़ निकलेगी तो वैसे निकल रही होगी, अगर यहाँ से एयर आ रही होगी इसके ऊपर, जो एयर स्पेस स्ट्राइक होकर निकल रही होगी, तो वो कुछ इस रीजन से, इस पूरे रीजन के अंदर निकल रही होगी, इस पूरे रीजन से ऊपर जा रही होगी। तो यहाँ भी ये एक सर्कुलर चीज़ है, इसके इस रीजन से ऊपर जा रही है। तो अगर कोई स्टैटिक एयर के अंदर आपका इस किस्म से कोई थर्मल प्रोफाइल बने, अब इसमें क्या होता है, जो आपकी ये वाली थर्मल प्रोफाइल है ना अंदर वाली, इसको बोलते हैं T1 या T बोल देते हैं, इसको बोलते हैं T- जो बाहर वाली टेम्परेचर प्रोफाइल है। आपका T जो होगा वो ग्रेटर देन होगा T- से, जो ये वाले एयर की जो स्ट्रीम होगी, और आपकी यहाँ पर जो डेंसिटी होगी इस वाले रीजन में, डेंसिटी होगी वो कम होगी बाहर की डेंसिटी से। सही है। और अगर आपका फ्लूड स्टैटिक है और इस किस्म की बाउंड्री लेयर बनती है, इसको हम बोलते हैं वो प्लम बना है, इसको टेक्निकल जबान में बोलते हैं प्लम। देखो यहाँ पे एक 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 वायर है जो कि हीटेड है, अब एयर उसके पास से जो एयर निकल रही है वो कुछ इस किस्म की बाउंड्री लेयर बनाती है। देखो इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बाउंड्री लेयर ऐसे ऐसे कैसे बनी, आगे आएगा अभी, अभी सिर्फ ये डिस्कस करो। जब एक सिंपल एक सिलेंड्रिकल चीज़ या सिलेंड्रिकल एक कोई भी चीज़ होती है, उसके अराउंड बाउंड्री लेयर कुछ ऐसे बनती है, उसको हम प्लम बोलते हैं। और अगर यही स्ट्रीम मोशन में हो, यही स्ट्रीम मोशन में हो, यहाँ से अगर कोई हल्की सी भी इसको हम एयर को फोर्स दे रहे हो जिसकी वजह से निकल रही हो, तो वो गुजरते वक्त के साथ साथ थोड़ी बढ़ेगी अपने एरिया में ना, थोड़ा बढ़ेगी ज़्यादा इस किस्म की। अगर किसी पाइप से निकल रही है गर्म एयर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो हीटर होते हैं, सपोज करो ये हीटर का आउटलेट है, तो हीटर के आउटलेट से जो गैस निकल रही है उसका टेम्परेचर आपके एटमोस्फेरिक गैस से भी ज़्यादा है, तो उसकी जो बाउंड्री लेयर कुछ बन रही है, उसकी प्रोफाइल कुछ इस किस्म से होगी। आपके एटमॉस्फेयर में हर चीज़ स्टैटिक है, रुकी हुई है, सारी एयर हमने सपोज किया हुआ है कि स्टैटिक है, तो यहाँ पर जो एयर निकले उसकी बाउंड्री प्रोफाइल भी कुछ इस किस्म से बन रही होगी। और अगर इसमें देखो हमने पीछे से ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की हुई है, प्लम और बॉयन जेट में सिर्फ एक ही फ़र्क है, दोनों होती है एक ही चीज़ें, मतलब ऐसी बाउंड्री लेयर दोनों बन रही होती है, फ़र्क सिर्फ ये है कि प्लम में हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अलग से इसको नहीं दे रहे होते इस रीजन को, जबकि बॉयंट जेट में हम इस जो फोर्स जो निकल रही होती है आपकी ये जो प्रोफाइल बन रही है, इसमें हम एक्सटर्नली कोई फोर्स इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। बस ये तो फ़र्क होता है प्लम्प और बॉयंट जेट में, बाकी दोनों में बाउंड्री प्रोफाइल ऐसी बनती है। अब इसका अगर डिस्कस करते हैं ये इसका मतलब क्या है, यहाँ तक क्लियर है? ये प्लम्प में फोर्सफुली एयर इंजेक्ट करते हैं, प्लम्प में फोर्सफुली एयर इंजेक्ट नहीं करते, जबकि बॉयंट से जेट में करते हैं। हाँ ये रैंडम है, ये फोर्स नहीं है, इसमें फोर्स है, यहाँ पे लिखा भी हो, देख लो ये नोट कर लो पहले। इनिशियली हमने बॉयंट वाले में जो बॉयंट जेट होता है उसमें इनिशियली हमने उसको कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई इनिशियल फ्लूइड वेलोसिटी हमने उसको दी होती है, बस ये फ़र्क होता है आपका प्लम्प और बॉयंट जेट में, बस बाकी दोनों की बाउंड्री लेयर एक ही जैसी फॉर्म हो रही होती है। कोई नोट कर रहा है इसको जी? आगे बढ़े, देखो सपोज कर आपकी ये प्लेट है जिसका टेम्परेचर आपके एटमोस्फेरिक टेम्परेचर से हाई है, ज़्यादा है, और इसके आसपास जितनी भी एयर है वो सारी एयर क्या है, स्टैटिक है, रुकी हुई है, ठहरी हुई है। अब होता क्या है, जो एयर अच्छे सरफेस है, इसको वर्टिकल हमने प्लेट सपोज किया हुआ है, अब जो मॉलिक्यूल इसके इन कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पे इसकी सरफेस से, तो मॉलिक्यूल हीट एनर्जी गेन करेंगे यहाँ से और उनकी डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल ट्रैवल करके ऊपर आ जाएंगे। जैसे मॉलिक्यूल की, देखो इसमें होता है कि मॉलिक्यूल जब ट्रैवल हो रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बीच में ज़्यादा होती है,
क्योंकि हमने सपोज किया हुआ है इसका जो आउटर मोस्ट जो क्विसेंट फ्लूड है, क्विसेंट फ्लूड का मतलब होता है स्टैटिक फ्लूड, इसका जो आउटसाइड जो फ्लूड है यहाँ पे इस पूरी जगह में जो फ्लूड है वो फ्लूड ओवरऑल स्टैटिक है, वो ओवरऑल मूव नहीं कर रहा वो फ्लूड। तो क्या होगा, जैसे वो मोलिक्यूल यहाँ से जो गर्म होकर ऊपर आया होगा, उसकी डेंसिटी यहाँ पे कम हुई होगी ना, तो वो ऊपर आया होगा डेंसिटी कम होने की वजह से। जब वो ऊपर आया होगा तो यहाँ पे आके उसका कॉन्टैक्ट होगा क्वेश्चन फ्लूड के साथ, जिसके में पहले से वेलोसिटी जीरो है और उस पर टेम्परेचर भी इसके मुकाबले में कम है। तो क्या होगा, यहाँ पे आने के बाद उस फ्लूड की वापसी, उसका जो टेम्परेचर होगा वो वापसी इसके बराबर हो जाएगा और उसकी वेलोसिटी भी जिस वेलोसिटी से यहाँ पे आ रहा था वो वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो थर्मल प्रोफाइल कुछ ऐसे बनती है फ्री कन्वेक्शन में कि आपके यहाँ से फ्लूड मूव करता है, बीच में मैक्सिमम थर्मल मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इनिशियली भी वेलोसिटी जीरो होती है जब वो इनके कॉन्टैक्ट में होता है, और बिल्कुल फाइनल जाके वहाँ भी वेलोसिटी यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीज होती है। तो जैसे ऊपर हमने पढ़ा था प्लम वाले में, तो प्लम वाले में देखो इस वाले साइड पे भी वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सपोज किया हुआ है क्वेश्चन फ्लूड मीडियम है, क्वेश्चन मतलब बिल्कुल स्टैटिक फ्लूड मीडियम है यहाँ पे, और यहाँ भी आपका क्या है क्वेश्चन फ्लूड मीडियम है, स्टैटिक फ्लूड मीडियम है। जैसे जो फ्लूड है वो जो फ्लूड का पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट आता है आपके क्वेश्चन फ्लूड मीडियम से, तो वो खुद पार्टिकल भी स्टैटिक हो जाता है, उसका टेम्परेचर भी इनके बराबर आ जाता है। इस तरह यहाँ पे देखो वेलोसिटी इस वाले, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फ्लूड मीडियम है यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो रही है, इस तरह यहाँ भी क्वेश्चन फ्लूड मीडियम यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है जीरो हो रही है, वो इन कॉन्टैक्ट में आ रहा है आपके एटमोसफियर से। तो आपकी वेलोसिटी प्रोफाइल कुछ ऐसे बनती है, थर्मल प्रोफाइल ऐसे बनती है, एट द प्लेट उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स का, और जैसे ही वो मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करते हैं तो जैसे ही वो आपके क्वेश्चन फ्लूड से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक टी इन्फिनिटी के बराबर हो चुका होता है। ठीक है, क्लियर है चीज़। ये वेलोसिटी जो है ये जीरो से होती है क्योंकि वो सराउंडिंग एयर वेलोसिटी से टकरा चुकी हो जाती है। देखो ये वेलोसिटी जब यहाँ तक आती है ना वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी को ड्राइव कौन कर रहा है, इसको वेलोसिटी को जो ड्राइविंग फोर्स है इस वेलोसिटी की वो क्या है, वो डेंसिटी डिफरेंस है। जब यहाँ पे आने के बाद उसका टेम्परेचर जब टी इन्फिनिटी हो जाता है, डेंसिटी डिफरेंस ही खत्म हो गया जब, तो इस वजह से उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है कोई भी, बस एक चीज़ आपको नोट कर लो, जब का बीटा बराबर होता है, बीटा बराबर होता है 1/T फिल्म के, ये पहला फॉर्मूला नोट करो यहाँ का इस चैप्टर का, आपका बीटा बराबर होता है 1/ ये टी फिल्म है, जो हम जितने भी कन्वेक्शन के न्यूमेरिकल करते हैं, कन्वेक्शन के न्यूमेरिकल में सबसे पहले हम टी फिल्म निकाल रहे होते हैं ना एक, जो कि इनिशियल स्टेप होता है हमारा, ये वो है टी फिल्म। तो ये बीटा, हाँ कुछ पूछ रहे हो? नहीं, ये टी फिल्म, देखो टी फिल्म क्या होता है, टी सरफेस और आपका टी इन्फिनिटी का जो डिफरेंस होता है ना एवरेज, उसे टी फिल्म बोलते हैं, जबकि वो टी फिल्म है। सीधे ये नोट कर लिया फार्मूला। दूसरा फार्मूला नोट करो, ग्राचोफ नंबर ये वाला, अच्छा जो फंक्शन आपका रेनॉल्ड नंबर का होता है फोर्स कन्वेक्शन के अंदर, वही फंक्शन आपका ग्रेचोफ नंबर का होता है नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर। जो फंक्शन आपका रेनॉल्ड नंबर का फोर्स कन्वेक्शन में होता है, वही फंक्शन आपका ग्रेचोफ नंबर का नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल, हमें रेनॉल्ड नंबर क्या बताता है, वो बता रहा होता है कि आपका फ्लूड जो है वो लेमिनार या टर्बुलेंट है, तो इस वाले फ्लो में हमें ग्रेचोफ नंबर या आइडेंटिफाई कर रहा होता है आपका फ्लूड लेमिनार है या टर्बुलेंट है। आमतौर पे नेचुरल कन्वेक्शन में हमने लेमिनार का केस नहीं पढ़ा, टर्बुलेंट का केस नहीं पढ़ा, आमतौर पे हमारी बात सिर्फ टर्बुलेंट में होती है, और इसकी जो रेंज है, अगर हमारे पास ग्रेचोफ नंबर एक्सपोनेंट 9 से कम हो तो हमारे पास लेमिनार होता है, और अगर हमारे पास ग्रेचोफ नंबर एक्सपोनेंट 9 से ज़्यादा हो तो हमारे पास वो टर्बुलेंट होता है।
अगेन हमारा टर्बुलेंट से वास्ता नहीं पड़ेगा, इसमें सिर्फ लेमिनार फ्लो से हम डील कर रहे होंगे। ये बीटा वही जो मैंने ऊपर कहा था ना, बीटा दिखो 1/T, ये वही बीटा है। जी मीर भाई, जी जी जी, हमने इससे पहले कितने कन्वेक्शन जो पढ़े हैं वो फोर्स था। हाँ वो सारे फोर्स से प्लेट हो गया, सिलेंडर हो गया, तो उसने ना लेमिनार कर दिया तो रेनॉल्ड नंबर निकाल लिया। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारे फोर्स थे। अच्छा ठीक है, और ये जो है वो ग्रेट ऑफ नंबर हम लोग ही नेचुरल वाले। हाँ ये सिर्फ नेचुरल वाले निकल। एक्सपोनेंट क्या बताया था? अगर इसकी वैल्यू एक्सपोनेंट 9 से कम हो तो लेमिनार है, और अगर एक्सपोनेंट 9 से ज़्यादा तो हमारे पास टर्बुलेंट होता है। ये फार्मूला, दूसरा फार्मूला चैप्टर का, इसको भी नोट कर लेना, याद करना, ये गिवन नहीं होगा, याद करना है। कर लिया, आगे बढ़े। अच्छा एक और नंबर लिखो यहाँ पे, एक और नंबर आता है रेलेत नंबर। रेलेत नंबर की स्पेलिंग बता रहा हूँ मैं, ये स्पेलिंग है रेलेत नंबर। इसका फार्मूला सिर्फ ये लिखना, ग्राचोफ नंबर इंटू प्रेंटल नंबर, ये नहीं लिखना, सिर्फ ये ग्राचोफ नंबर इंटू प्रेंटल नंबर। ये एक्स और सी क्या है? एक्स का मतलब है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मालूम करने जा रहे हो, सी का मतलब कन्वेक्शन की बात हो रही है। मतलब लोकल है, हाँ, और सी का कह सकते हो कि क्रिटिकल क्रिटिकल रिलेट नंबर है, सी मतलब क्रिटिकल रिलेट नंबर। तो सिर्फ ये नोट नहीं करना आगे वाला, सिर्फ ये नोट करना। मुझे नोट, हाँ कर लो कर लो, रिलेट नंबर है उसका फार्मूला आपका ये है। आर क्या लिखा है? आर ए, ये एक्स है, आर ए एक्स। अच्छा उसका ग्राचोफ नंबर का ये भी जी आर है, एक्स है कॉमा सी है, भले नीचे वाली चीज़ ना लिखो इसका इतनी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अभी ग्राचोफ नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका फार्मूला है ऊपर दिखाया था, पहले ये नोट कर लो। हाँ नोट कर लिया, ये लिखो ग्राचोफ नंबर का फार्मूला, ये याद करना। ये ये काविश नोट कर रहा है। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास, अच्छा एक और चीज़ लिखो, नसल नंबर जो फंक्शन होता है ना हमारे पास, नसल नंबर ग्राचोफ नंबर का और प्रेंटल नंबर का फंक्शन है। फोर्स नेचुरल कन्वेक्शन में जो नसल नंबर जो फंक्शन होता है हमारे पास, वो ग्राचोफ नंबर का और प्रेंटल नंबर का फंक्शन होता है। ग्राचोफ नंबर का और प्रेंटल नंबर का फंक्शन होता है नफल नंबर, ये लिखा हुआ है। फ्री कन्वेक्शन के अंदर सिर्फ ग्राचोफ नंबर का और प्रेंटल नंबर का फंक्शन होता है नफल नंबर। यहाँ भी नफल नंबर की लंबी चौड़ी रेंज है, वो लंबी चौड़ी रेंज के लिए आपको सर ने एक फार्मूला, एक टेबल दिया हुआ है।
सी आपका एक टेबल है, इसमें वर्टिकल प्लेट अगर अगर न्यूमेरिकल आए तो उसके नफल नंबर ये यूज़ होगा, अगर इसमें कोई इंक्लाइंड प्लेट का है उसके लिए नफल नंबर यूज वर्टिकल प्लेट क्वेश्चन फॉर द अपर सरफेस ऑफ कोल्ड एंड लोअर सरफेस फॉर द हॉट प्लेट वर्टिकल प्लेट इक्वेशन फॉर अपर जब इसमें जो रेलेथ नंबर ना रेलेथ नंबर की अगर रेंज आपके एक्सपोनेंट 4 से एक्सपोनेंट 9 में हो तो हम ये यूज़ करते हैं, अगर उसकी रेंज आपकी एक्सपोनेंट 9 से एक्सपोनेंट 13 में हो तो हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन हम ये सारी रेंज के लिए हम ये वाला यूज़ करते हैं, कोई सी भी रेंज हो। हाँ कोई सी भी रेंज है सबके लिए हम लोग वर्टिकल में ये यूज़ कर लेंगे। हाँ ये टेबल गिवन है, गिवन है ये, इसमें लिखा हुआ है यूज़ वर्टिकल प्लेट इक्वेशन फॉर द अपर सरफेस ऑफ द कोल्ड प्लेट एंड द लोअर सरफेस ऑफ द हॉट प्लेट। तो क्वेश्चन नहीं गिवन यार, ये क्वेश्चन है आपकी, इसने बोला है जहाँ यहाँ पे जी होता है जी की जगह यहाँ पे यूज़ कर लो जी कॉस थीटा। अब यहाँ पे जी कहाँ आ रहा है, रेलेथ नंबर में, फ्रंटल नंबर में, देखा आपका जहाँ पे जो रेलेथ नंबर है ना उस रेलेथ नंबर के अंदर जहाँ पे आपका जी आ रहा है वहाँ पे रखोगे आप जी कॉस थीटा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप के पास ऐसे इंक्लाइंड सरफेस आए तो आप नफल नंबर यही वाला यूज़ करोगे ये वाला, लेकिन इसमें जहाँ जी की वैल्यू आ रही है ना जहाँ जी लिखा हुआ है वहाँ आप यूज़ करोगे जी कॉस थीटा। तो इसका कहने का मकसद ये कि जो इसके अंदर जो रेलेथ नंबर है रेलेथ नंबर के फार्मूले के अंदर जी आ रहा है, ये देखो, तो इंक्लाइंड प्लेट के लिए आप इस जी की जगह जी कॉस थीटा यूज़ कर रहे होगे अगर इंक्लाइंड प्लेट आएगी तो। इसी तरह आपके पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है आपकी हॉरिजॉन्टल प्लेट का आपका ये नफल नंबर यूज़ करोगे आप, इसमें रेंजेज हैं एक्सपेंड 4 से 7 की रेंज ये है, 7 से 11 की रेंज ये है। इसमें दो केसेस हैं, पहला केस आपका ये है कि अगर आपकी सरफेस ऊपर से हीटेड हो, और दूसरा केस है आपकी सरफेस अगर नीचे से हीटेड हो। अगर आपकी सरफेस ऊपर से हीट अप है तो आप ये वाला नफल नंबर यूज़ करोगे इन दोनों में से रेंज के अतबार से, और आपकी सरफेस नीचे से हीटेड है फॉर एग्जाम्पल ये कोई हाउस कोई रूफ है ये, या फिर ये इसको ले सकते हो कि आपका सरफेस है या आपकी रूफ है, कुछ इस किस्म की कंडीशन अगर आ रही हो तो फिर आप इस कंडीशन को देखते हुए आप नफल नंबर यूज़ कर रहे होते हो। इधर आपके पास सिलेंडर है अगर वर्टिकल सिलेंडर उसके लिए ये यूज़ करते हो, अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल सिलेंडर उसके लिए आप ये यूज़ करते हो, अगर आपके पास स्पेयर है स्पेयर के लिए आप ये वाला नफल नंबर यूज़ कर रहे होते हो। तो नफल नंबर ये न्यूमेरिकल में भी इस चार्ट पे आएंगे हम, उससे थोड़ा और क्लियर होगा कि नफल नंबर सेलेक्ट कैसे कर रहे होते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, थ्योरी में देख लें तो और कुछ है तो नहीं इसके अलावा।
ठीक है, तो ये मैंने देख लिया, हीट ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन होता है। अच्छा, मैंने कहा था ना आपका जिसमें स्टेबल होता है उससे एक और नाम दिया गया सर ने, थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन भी बोलते हैं, इसको भी नोट कर लेना। जो मैंने कहा था ना यहाँ पे कि जिसमें बॉटम प्लेट का टेम्परेचर कम हो और अपर प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा हो, उसमें आपके मॉलिक्यूल्स ऐसे मूव नहीं करते, उसको मैंने कहा था कि वहाँ पे स्टेबल आपका होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है वो चीज़, तो उसको हम लोग थर्मल स्टार्टिफिकेशन भी बोल रहे होते हैं इस कंडीशन को। अच्छा, ये भी हो गया, सर एक मिनट डायग्राम दोबारा देना। जी ये टेम्परेचर में क्या, देखो यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना इस बॉटम प्लेट का, इसका टेम्परेचर कम है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, टी टू ग्रेट ये लेस देन होगा यहाँ पे, सही है ना, यहाँ पे टी वन बड़ा है टी टू से। तो होगा क्या कि नीचे ये बॉटम वाली प्लेट है ना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका क्या होगा, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी, सिकॉज उसका टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से वो नीचे आने ही कर रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली पहले से नीचे हैं वो, और जो मॉलिक्यूल जो ऊपर वाली सरफेस के पास साथ इन कॉन्टैक्ट में होंगे वो हीटअप हो रहे होंगे, हीटअप होने की वजह से उनकी डेंसिटी डिक्रीज होगी, और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स ऊपर ट्रैवल करते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली पहले से ही ऊपर हैं। तो यहाँ भी दोनों प्लेट्स के दरमियान आपका टेम्परेचर डिफरेंस तो है, लेकिन उन टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कोई मोशन नहीं हो रही जैसे यहाँ पे मोशन हो रही है, इस किस्म की कंडीशन को बोलते हैं कि थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। वही चीज़ है ना जो भी पढ़ाई थी आपने, हाँ वो बुक वाली चीज़ है, हाँ, लेकिन उसमें ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड लिख लेना। हाँ बोलो जाएगा, इसका हाँ टी वन का ज़्यादा है, बिल्कुल ऐसा ही है। एक और चीज़ है यहाँ पे, अक्सर बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें आपके पास फोर्स कन्वेक्शन भी हो रही होती है और जिसमें आपके पास नेचुरल कन्वेक्शन भी हो रही होती है, अक्सर अवकात ऐसे केसेस भी आते हैं, तो उसमें हम देखते हैं ये रेशियो देख रहे होते हैं ग्राचॉफ नंबर का और रेलेट नंबर का, आपस में ये रिलेशन देख रहे होते हैं, अगर इन दोनों का ये रिलेशन जो डिवाइड करने की सूरत में आ रहा है वो लेस देन वन है, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर जो फोर्स कन्वेक्शन है वो नेग्लिजिबल है। अच्छा, ये जो नंबर है ना, ये ग्रेचुएट नंबर को अगर हम लोग रेनॉल्ड नंबर के स्क्वायर पर डिवाइड कराएं तो हमारे पास एक नया नंबर बनता है जिसे हम बोलते हैं रिचर्डसन नंबर। इधर रिलेशन है ना, जिससे हम बोलते हैं कि रिचर्डसन नंबर है, रिचर्डसन नंबर, तो ये रिचर्डसन नंबर हम देखते हैं कि हमारा अगर रिचर्डसन नंबर लेस देन वन आ रहा हो तो हम बोलते हैं कि फोर्स कन्वेक्शन जो है वो नेग्लिजिबल है, और अगर हमारा रिचर्डसन नंबर ग्रेटर देन वन आ रहा हो अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने, ये सेंटेंस यहाँ से आ रहा है, अगर हमारे पास ये नंबर जो है रिचर्डसन नंबर लेस देन वन है तो हमारे पास क्या होता है कि फ्री कन्वेक्शन नेग्लेजिबल होती है, और अगर हमारे पास ये रिचर्डसन नंबर ग्रेटर देन वन आता है तो हमारे पास नेचुरल जो फोर्स कन्वेक्शन होती है वो नेग्लेजिबल होती है, अगर इक्वल्स टू वन है तो हमारे पास मिक्स रीजन होता है, उसके अंदर फ्री कन्वेक्शन भी हो रही है और उसके अंदर फोर्स कन्वेक्शन भी हो रही है। तो ये चीज़ें नोट कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, या ये सेंटेंस यहाँ से चला आ रहा है, वी इंडिकेट दैट फ्री कन्वेक्शन इज नेगलेजिबल इफ जो रिचर्डसन नंबर लेस देन वन है, फिर यहाँ से अगला सेंटेंस है एंड
फोर्स कन्वर्शन इज नेगलिजिबल व्हेन रिचर्डसन नंबर ग्रेटर देन वन, और कंबाइन इफेक्ट कब होता है, अभी ये इज इक्वल्स टू वन के बराबर, तो कंबाइन इफेक्ट हो रहा होता आपका। तो इस कंडीशन आपको जो नसल नंबर होता है वो नफल नंबर जो बराबर होता है वो इन दोनों के बराबर, नफल नंबर ऑफ फोर्स कन्वेक्शन प्लस माइनस नफल नंबर ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। ये वाला नहीं, सिर्फ इस केस में जिसमें कंबाइन इफेक्ट हो, जिसमें आपके पास फोर्स कन्वेक्शन भी, इसमें आपके पास फ्री कन्वेक्शन भी हो या नेचुरल कन्वेक्शन भी हो। ये पावर में एन एन जो लिखा है लिखने, हाँ लिखो। ये कब यूज हो गया वाले कमरे के कंबाइन फोर्स और नेचुरल कन्वेक्शन दोनों हो रही है? हाँ बहुत बड़ी आ रही है जरा सही है। देखो आपका यहाँ पे जो ग्रेचोफ नंबर और ये रेलेत नंबर है, रेनॉल्ड नंबर नहीं, आपका रेलेत नंबर है, इनका जो आपका ये रिलेशन होता है, इस नंबर को हम बोलते हैं कि आपके पास ये रिचर्डसन नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं रिचर्डसन नंबर है ओवरऑल। अगर आपका रिचर्डसन नंबर लेस देन वन हो तो हम बोलते हैं कि आपके पास फ्री कन्वेक्शन नेगलिजिबल है, और अगर आपके पास ये रिचर्डसन नंबर ग्रेटर देन वन हो तो हम बोलते हैं आपकी फोर्स कन्वेक्शन नेगलिजिबल है, और अगर आपके पास ये इज इक्वल्स टू वन हो तो हम बोलते हैं कि इसके अंदर दोनों इफेक्ट हैं, इसके अंदर फोर्स कन्वेक्शन भी हो रही है और इसके अंदर नेचुरल कन्वेक्शन भी हो रही है। ये लिखा हुआ है तीन रिलेशन है, लेस देन वन है, ग्रेटर देन वन है, इक्वल टू वन। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वैसे इसका न्यूमेरिकल में यूज नहीं हुआ, सिर्फ इसका एक ओवरऑल व्यू दिया हुआ है। हाँ बोलो। ये बताया जा रहा है कि आप जो नसल नंबर्स में कैलकुलेट करते हो ना, वो जो नफल नंबर आप कैलकुलेट करते हो उसके अंदर दोनों के इफेक्ट को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो, आप उसके अंदर जो फोर्स कन्वेक्शन होती है उसको भी देख रहे होते हो और जो नेचुरल कन्वेक्शन होती है उसको भी देख रहे होते हो। और आमतौर पर ये एन की वैल्यू हम 3 लेते हैं, आमतौर पर जो बेस्ट वैल्यू है एन की, जो मोस्ट सूटेबल वैल्यू होती है, आमतौर पर हम 3 ले रहे होते हैं इसकी नफल नंबर की। ये इसकी वैल्यू जो पावर है ना एन की वैल्यू, उसको आमतौर पर 3 ले रहे होते हैं। ये थ्योरी वाला पोर्शन यही है, थ्योरी क्लियर है। कौन सी सिलेंडर वाली? ये आज देखो, इसमें वर्टिकल सिलेंडर में तो खासा कोई आपके पास गिवन नहीं है। वर्टिकल सिलेंडर कैन बी ट्रीटेड एज अ वर्टिकल प्लेट, तो इसका आपका जो रिलेशन है ना नफल नंबर गिवन नहीं है, तो आप इसको एज अ वर्टिकल प्लेट ही सपोज कर सकते हो, ये वाला नफल नंबर यूज़ कर सकते हो आप। जबकि इसमें हॉरिजॉन्टल सिलेंडर के अंदर आपका नफल नंबर ये है और स्क्वायर का नफल नंबर आपका ये है। इसकी बात कर रहे थे, प्लम की बात कर रहे थे, प्लम वाले की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, इसी बात मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट शेप के अलग अलग नफल नंबर की। हाँ ये केसेस हैं, ये केसेस हैं आपके पास डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट नंबर। क्या बोलो? प्लम की क्या बात कह रहे थे? नहीं वो शुरू में जो स्टार्टिंग में आते ना प्लम और ठीक है, तो थ्योरी वाला पोर्शन यहीं तक है। थ्योरी वाला पोर्शन में कोई क्वेश्चन है किसी और का तो पूछ ले अभी। अच्छा
अच्छा वो नसर नंबर किसका फंक्शन है? नसर नंबर फंक्शन है कि इसका जी आर रेश ऑफ नंबर का और पेरेंटल नंबर पी आर पेरेंटल नंबर। कोई और पूछ रहा था? देखो रेलेथ नंबर से ना हम जो ग्रैचुएट नंबर हम निकालते हैं ना ग्रैचुएट नंबर से निकालते हैं रेलेथ नंबर, फिर रेलेथ नंबर में हम यहाँ पे नफल नंबर सिलेक्शन नफल नंबर के सिलेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे रेलेथ नंबर को देख रहे होते हैं। ग्रैचुएट नंबर से हम देखते हैं कि हमारे पास लैमिनार है कि टर्बुलेंट है। ग्रैचुएट नंबर का काम ये है हमारे पास। फिर ग्रैचुएट नंबर से निकलता है आपका रेलेथ नंबर। रेलेथ नंबर आपकी रेंज देखने के लिए होता है कि रेंज किस रेंज में आ रहा है। उसके बाद फिर आपका इसके अंदर आपके पास पेरेंटल नंबर यूज़ हो रहा होता है। पेरेंटल नंबर और रेलेथ नंबर आपका देखो ये रेलेथ नंबर आपका नफल नंबर में यूज़ हो रहा होता है। तो ये फंक्शन होता है रेलेथ नंबर का और पेरेंटल नंबर का। क्लियर आता थ्योरी? हाँ वो रेशियो है।